देखते हैं 2.3। हाँ हमने देख लिया 2.3। देखते हैं जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकुलम एंड माइनस 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक, समझ गए। अब कह रहे आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, यानी जो सिस्टम बना है दोनों चार्जेस को मिलाकर के, इनकी वजह से वो सरफेस बताओ जहां पर पोटेंशियल सेम होगा। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे कर मतलब हमको नहीं है। देखिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 दैट इज प्लस 2 माइक्रोकुलम 10^-6 कूलम, और दूसरा है आपका -2 × 10^-6 कूलम। पहली बात तो यह समझ लीजिएगा कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं भी सेम होने वाला नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे भाई किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, ये आपसे बोल रहे हैं। समझने की कोशिश करो। हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, यही होता है ना। तो अच्छा, K दोनों का सेम ही रहेगा और Q दोनों का सेम है, तो R जहां पर सेम हो जाए वही काम चल जाएगा। यानी कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अदरवाइज पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल प्लस में आएगा और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, हमने कहा देखो भैया ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर एक तो पॉइंट यहां पर मिल जाएगा, आर आर डिस्टेंस पर नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो अगर मैं यहां पर नेट पोटेंशियल निकालता हूं टोटल वी, तो आपका होगा पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, ये होगा आपका। और पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या होगा, के क्यू अपान आर, और चूंकि माइनस में है तो माइनस के क्यू अपान आर, यानी जीरो आने वाली वैल्यू है। क्या और कोई पॉइंट यहां होगा जहां पर डिस्टेंस सेम हो जाए? जी हां, आप ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां ले लीजिए, ये डिस्टेंस सेम होगी R1 R1, ये अगर R1 होगी ये भी R1 होगी, नहीं होगी तो अगर हम ये पॉइंट यहां ले लें सी, तो सी पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो आने वाला है। सही कह रहा हूं मैं? अगर मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं डी, और यहां से दूरी है R2 R2, सेम होगी, ये R2 ये R2, तो डी पॉइंट भी पोटेंशियल सेम होने वाला है, यानी जीरो आने वाला है। अगर मैं पॉइंट यहां ले लूं ई, जिसकी दूरी है R3 R3, तो यहां भी पोटेंशियल जीरो आने वाला है। तो यानी ये जो सरफेस हमने खींचा है ना, इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल जीरो आएगा। ये सरफेस कहां पे है? सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दिस एबी लाइन जॉइनिंग। ठीक है, तो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? प्लेन नॉर्मल टू एबी, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आएगा, पोटेंशियल सरफेस जो आएगा वो होगा प्लेन नॉर्मल टू एबी, नॉर्मल टू एबी एंड बाइसेक्ट एबी। समझी बात आई नहीं आई? प्रैक्टिकली बात सुनना गई? अब जरा समझने की कोशिश करो, जरा डायग्राम को मैं फिर रब करूंगा। ये जो प्लेन हमने खींचा है, तो एक्चुअली में प्लेन तो ऐसे कोई भी ऐसे हो सकता है प्लेन ऐसे, ठीक है, वो दिख आपको ये रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के कुछ ऐसा है, ये ए है, ये बी है, और ये इस ये प्लेन हमने ऐसे खींच दिया, तो थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा कि प्लेन दिखे। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर वैल्यू नहीं पूछी उन्होंने, उन्होंने व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, ये चार्ज प्लस का है, ये चार्ज माइनस का है, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से दूर होता है, माइनस की ओर होता है। ठीक है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आने वाला है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस होगा, पहली बात तो नॉर्मल टू सरफेस होगा और डायरेक्टेड कहां से कहां होगा, डायरेक्टेड टू बी टू सॉरी ए टू बी, ए से बी की तरफ होगा। समझने वाली है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस।